खेड़ा सिरपकांडना मुख्य आरोपी अंगे मोटो खुलासो पण थई रह्यो छे। वडोदरामां आरोपीनुं बहार आव्युं छे 70 लाखनुं लोन कौभांड। आरोपी नितिन अने परिवारजनोनुं लाखोनुं लोन कौभांड सामे आव्युं छे। कौभांड सरकारनी मुद्रा लोन अंतर्गत मेळवेली लोन व्याज साथे 70-80 लाख रूपया थई छे अने देना बैंकमांथी बैंक कर्मचारीओने 60-60 मेळवी अने आ लोन लीधी हती। बैंक ऑफ बड़ोड़ाए लोन वसूलात माटे कोर्टमां केस दाखल कर्यो। आरोपी नीतिने जय शक्ति सुपर स्टोर ना नामे अने भावेश सेवकानीए भावेश ट्रेडर्स ना नामे लोन लीधी हती। तो खेड़ा सिरपकांड में मुख्य आरोपी योगी सिंधीनी फेक्टरी में सर्च ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्यो। आ दरमियान शंकास्पद खाली सेनेटाइजर की बॉटल मिली आई है। ड्रग्स विभाग द्वारा फेक्टरी मालिक योगी सिंधी ने योगी फार्मा नामनु लाइसेंस आप्यु हतु। लाइसेंस प्रमाण फेक्टरी पास कोईपण प्रकार की मशीनरी न होवानु सामे आव्यु। फेक्टरी मालिक पास अल्कोहोल स्टोरेज माटे मंजूरी हती के नहीं ते तपासनो विषय छे। आ केसनो अन्य आरोपी नितिन कोटवाणी अगाउ डुप्लीकेट सेनेटाइजर मां पण झड़पायो हतो अने ते अंगे पण तपास करवामां आवशे। बोटादथी पकड़ायेली शंकास्पद सीरपो अंगे पण मोटो खुलासो थयो छे। सीरपना सेम्पल में अल्कोहोल होवानो खुलासो थयो छे। सीरपना आ फसलना रिपोर्ट में थयो छे खुलासो। 17 जुलाईए शहेरना एसटी डेपो पासेथी न्यू माधव नामना पान पार्लरनी दुकानमांथी 4,182 रूपियानी किंमतनी 28 सीरपनी बॉटल जप्त कराई। जप्त करायेली सीरपना जत्थाने एफएसएल माटे मोकलायो हतो अने हवे एफएसएलना रिपोर्टमां खुलासो थता दुकानना मालिक गौतमभाई कांजीभाई खादड़ा अने सीरप आपनार राजूभाई मकवाणा विरुद्ध प्रोहिबिशन एक्ट मुजब गुनो दाखल कर्यो छे। अमदावादमां बनावटी दारू बनावानुं कारखानुं झड़पायुं छे। ओढवना मोतीबागनी चालीमां चालतो हतो गोरखधंधो। असर फिलहाल नामनो शख्स बनावतो हतो नकली दारू। स्थळ परथी 147 दारू बियरनी बॉटल जप्त। 70 नग डुप्लीकेट बॉटलना बूच अने ब्रांडेड स्टीकर कब्जे कर्या छे। 88,000ना मुद्देमाल साथे एक आरोपी पण पकड़ायो छे अने 2 वॉन्टेड छे। અમદાવાદની વાત કરીએ તો ચકચારી ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસમાં તથ્ય પટેલની હાઈકોર્ટમાં અરજી અને આરોપીએ પાસાની કાર્યવાહીથી બચવા અરજી કરી છે। પોલીસ અકસ્માત કેસને લઈને પાસાની કાર્યવાહી ન કરે તેવી માંગ છે। જો જામીન મંજૂર થાય તો પોલીસ પાસા હેઠળ અટકાયત કરશે તેવી ભીતીથી તેણે અરજી કરી છે અને આજે હાઈકોર્ટમાં આ અંગે સુનાવણી હાથ ધરાશે। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अने राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिले राज्यसभामां उठाव्यो छे पाकिस्तानी जेलमां बंद गुजरातना माछीमारोनो मुद्दो। कह्युं छे के गुजरातना 156 माछीमारो पाकिस्तानी जेलमां कैद छे। शक्तिसिंहे मुद्दो उठावी अने मांग करी छे के गुजरातना माछीमारोने छोड़ाववानी कोशिश थाय। माछीमारो पत्र द्वारा पोताना परिवार साथे संपर्कमां रही शके તે સુવિધાને ફરી શરૂ કરવામાં આવે। અગાઉ પરિવારો માછીમારોને પત્ર લખી શકતા હતા પરંતુ શક્તિસિંહ કહ્યું કે માછીમારોને ફિશિંગ બોટની સબસિડી અપાય અને કેદમાં રહેલા માછીમારોના પરિવારને સહાયની રકમ વધારવામાં આવે। આજ ભી 156 મછવારે પાકિસ્તાન કી કેદ મેં હૈ। सर पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपने गलती से बॉर्डर क्रॉस की है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 3 इयर्स। 3 साल से ज्यादा कैद में नहीं रख सकते हैं। पर 3 साल बीत जाने के बाद भी वो वहीं पे कैद में है। पाकिस्तान मरीन हमारी सरहद से हमारे मछुआरों को उठा के ले जाती है और जब फिशिंग बोट्स वहां रहती है उसके अंदर से सारे पुर्जे उठा लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं। तो अगर वो फिशिंग बोट वापिस भी आती है तो हमारे मछुआरों के किसी काम की नहीं रहती। इसी को चलते हमने कुछ चीजें मांग थी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम मिले और 3-4 चीजें की थी। मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको पुनः शुरू किया जाए। एक हमने शुरू करवाया था कि यहां मछुआरा का फैमिली अगर डाक भेजेगा, खत लिखेगा
तो उसे कैद में मिलेगा, और कैद से मछुआरा जो पाकिस्तान की कैद में है वो अपने फैमिली को खत लिख सकता था। ब्रेक पर जाता पहला नजर करिए टॉप थ्री।